तुम्हारी रुचि हो जाए ईश्वर के तरफ, प्रेम आ जाए, तो जागतिक इच्छाओं को हटाने के लिए प्रभु प्राप्ति की इच्छा की जाती है। अब जगत की तुच्छ इच्छाएं हट गई तो प्रभु प्राप्ति की इच्छा करनी नहीं पड़ती, वो इच्छा भी शांत हो जाती, प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। दिले तस्वीरें हैं यार, जब की गर्दन झुका ली मुलाकात कर ली, वो प्रभु इतना नजदीक है। लेकिन हमने ऐसा एक धारणा मान रखी है कि हम तो संसारी हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो सनातनी हैं, हम तो जैन हैं, हम तो वाणिया हैं। अरे पहले तुम आत्मा हो, पहले तुम प्रभु के हो, बाद में तुम सनातनी हो, बाद में तुम जैनी हो, बाद में तुम मारवाड़ी हो, बाद में तुम पंजाबी हो, ये सब तुम्हारे मन में संस्कार पड़ गए। ऐसे संस्कारों से, बोझे से आपकी आंतरिक शक्तियां दब जाती है। तो गीता कहती है अनपेक्षा, अपेक्षाओं को छोड़कर शुद्ध रहो, शुचि रहो, पवित्र रहो। अनपेक्षा शुचिर दक्ष, दक्ष रहें, कुशल रहें व्यवहार में, कि जिस व्यवहार करने से हृदय में भय आता हो, जो व्यवहार करने से हृदय में घृणा आती हो, जो व्यवहार करने से चिंता बढ़ती हो, उस व्यवहार से जरा बचें। जो व्यवहार करने से हृदय संतुष्ट होता हो, जो व्यवहार करने से निर्भयता आती हो, कि स्वामी जी दारू वाले को दारू पीने से हृदय संतुष्ट हो जाता है, मांसाहारी को मांस खाने से संतोष होता है, नहीं होता है, खिन्नता बढ़ती है, निर्भयता नहीं आती, भय बढ़ता है। तो जिस व्यवहार करने से हृदय पवित्र होता हो, आंतरिक आनंद आता हो, वो व्यवहार करें, लेकिन कर्ता न मानकर ईश्वर को अर्पित हो जाए। अनपेक्षा शुचिर दक्ष, अपेक्षाएं जितनी कम होगी उतना आत्मिक बल बढ़ेगा। वर्धमान जी जो भगवान महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए, अगर अपेक्षाएं होती तो ध्यान नहीं लगता। बुद्ध की अपेक्षाएं इतनी होती तो ध्यान नहीं लगता, समाहित चित्त नहीं होते। तो अपेक्षाएं कम होने से अग्नि की साधना सुंदर होती है। अब हमारे शरीर में 7 केंद्र है। भगवान महावीर ने अपने प्यारों को अच्छे ढंग से इन केंद्रों की यात्रा कराई और ध्यान के द्वारा आदमी पूर्व जन्म को देखता है ना, तो उसकी अपेक्षाएं गायब हो जाती है। 40,000 भिक्षु महावीर के सामने बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? कि वो ध्यान में ऐसी गहरी यात्रा कराते हैं कि आपको पूर्व जन्म दिखने लग जाए। पूर्व जन्म दिख जाए तो माता के गर्भ में हम लोगों की क्या दुर्दशा थी, माता के गर्भ में जो दुर्दशा थी वो देख कर ही वैराग्य आ जाता है और आदमी भिक्षुक बन जाता है। आप 6 महीना ऐसी साधना करो, थोड़ा 1-8 घंटा रोज, तो आपको दिख जाएगा पूर्व जन्म में आप कैसे थे, माता के गर्भ में अपन कैसे थे, और माता के गर्भ में कैसे थे वो जरा कल्पना करके देख लो ना, तो महाराज फिर दोबारा संसार में आने की इच्छा नहीं होगी। कुंभी पाक नरक जैसा है, चाहे अभी बाहर से हम कितने भी बड़े हो गए, कितना भी कुछ मिल गया, लेकिन मौत तो जरूरी है, और मौत जरूरी है तो जन्म भी जरूरी है, और जन्म में तो उन्हें लटकना भी जरूरी है। तो पिता की एक बूंद में 3,000 जीवाणु होते हैं और हर जीव एक मनुष्य होने की योग्यता रखता है, और माता का MC का ब्लड पीकर ये शरीर बड़ा होता है। सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ और जन्मते ही 12 साल माँ के गर्भ में रहे थे और जन्मते ही चल दिए। वेद व्यास जी ने पूछा कि बेटा वापस आ, बोले वापस क्या आऊं, बोले सुन तो सही, अब क्या सुनूं पिताजी, मेरी एक बात सुन लो। एक ब्रह्मचारी था, गांव के बाहर तप करता था, भिक्षा मांगने के लिए गांव में आ जाता था। एक समय की बात है कि उस गांव में कोई उल्टा लड़की शादी करके आ गई थी। वो स्त्री तो बनी थी लेकिन उसके पति में विकार को पोषने का पावर नहीं था। उस उल्टा स्त्री ने ब्रह्मचारी को बुलाया भिक्षा के निमित्त, तो ब्रह्मचारी ऊपर के मंजिल में गया भिक्षा लेने को। उल्टा स्त्री ने उसको पकड़ के अंदर घसीट लिया और उससे अनाधिकार याचना की, विकार पोषने की इच्छा की। ब्रह्मचारी ने भगवान को प्रार्थना की कि भगवान इस पाप से मुझे बचाओ, हे प्रभु मुझ पर दया करो। वो प्रार्थना करते करते मध्यमा और पश्चंती में पहुंच गया। और जो आदमी सूक्ष्म में जाता है तो शक्ति और संकल्प का सामर्थ्य का विकास होता है। जैसे पानी का एक ड्रॉप्स, एक बूंद पानी की अगर वो बाष्पीभूत हो जाए तो उसमें 1300 गुनी तक ताकत आ जाती है। ऐसे ही हमारा स्थूल मन अगर प्रार्थना करके ध्यान करके सूक्ष्म हो जाता है ना, तो उसमें सत्य संकल्प सामर्थ्य पावरफुल हो जाता है।
तो ब्रह्मचारी ने प्रार्थना की, उसके पति बाहर गए थे, एकाएक उसको बस को जाने से अथवा जो साधन था उससे एकाएक विचार हुआ घर आने का, और घर उसको कुछ हाजत हुई। वो पति जो आया दरवाजा खटखटाया तो पत्नी घबराई उल्टा स्त्री, और उसने संदास में पुराने जमाने के बड़े बड़े संदास में वो मोरी ने उसको धकेल दिया। पति को तो जाना ही था संदास में लेटरिन में, अब वो पत्नी घबराई तो उसको धकेल के मोरी में उतार दिया। पति को जो कुछ करना था अपना हाजत किया और दोनों पति पत्नी रवाना हो गए। वो ब्रह्मचारी ऊंधे सिर ऊपर पैर नीचे सिर मोरी में से खिसकता खिसकता दूसरे दिन प्रभात तक नीचे पहुंचा। हरिजन वो बंगी जब सफाई करने को आए तो देखा कि कोई बच्चा है, उसको खींच के देखा तो निकाला कि तो ब्रह्मचारी है, पतला सा बेचारा। घर ले गए, उसकी मूर्छा उतारी, नहलाया धोलाया, उसे स्मरण हुआ कि अरे मैं कौन था, कैसे फंसा था और मेरी क्या हालत थी। अब वो नहा धो के अपनी कुटिया पे पहुंच गया, प्रायश्चित किया, अर्घ्य मर्षण मंत्र का जप किया, शुद्धिकरण करके फिर उसे भूख लगी और गांव में भिक्षा मांगने को 3 दिन के बाद निकला। अब वही की वही लड़की, वही की वही उल्टा स्त्री उसे बुलाए तो वो जाएगा, उसे पकवान दिखाए तो जाएगा, उसे मेवा मिठाई दे दक्षिणा दे तो जाएगा, नहीं जाएगा। केवल एक दिन ऊंधे सिर लटका है उस गंदगी में, तो वो दोबारा नहीं जाएगा। तो मैं तो वर्ष भर लटक के आया हूँ, हम लोग 9 महीने लटक के आए, लेकिन हम लोग विवेक खो देते हैं, उसलिए अपेक्षाएं कर करके अपने जीवन को खर्च कर देते हैं। गीता कहती है अनअपेक्षा, और अपेक्षाओं से इच्छाओं से अगर सब कुछ होता तो जो जीवन का मौलिक कार्य वो बिना इच्छा के होता रहता है। जन्म हमारी इच्छा से नहीं हुआ, सफेद बाल हमारी इच्छा से नहीं हुए, श्वास हमारी इच्छा से नहीं लेते, आंख के पोपचे हम हमारी इच्छा से नहीं चलाते, बरसात हमारी इच्छा से नहीं आती, सूर्य हमारी इच्छा से नहीं तपता, वसुंधरा हमारी इच्छा से रस नहीं देती। तो जो जीवन की जरूरी आवश्यकताएं हैं वो तो कुदरत ने, सृष्टिकर्ता ने ऐसा क्रम रचा है कि स्वाभाविक होती रहती है, लेकिन आदमी इच्छाएं करके अपनी आध्यात्मिक सामर्थ्य शक्ति से चुप्त हो जाता है। एक बात और हमें ध्यान से समझनी होगी कि एक होती है आवश्यकता और दूसरी होती है इच्छा। आवश्यकता जो होती है ना वो जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है। जो आवश्यक है वो बिल्कुल स्वाभाविक है, जो आवश्यक है वो मुफ्त में है, जो आवश्यक है वो अनायास है, अल्प आयास से है, और जो इच्छाएं हैं उसके पीछे आयास कर करके मर जाते हैं। श्वास लेना आवश्यक है जीने के लिए, मुफ्त में है, अनायास है, स्वाभाविक है। श्वास हम लेते हैं प्राणवायु ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आवश्यक है, इच्छा न करो तभी भी ऑक्सीजन की तो आवश्यकता है, और इच्छा नहीं करते तभी भी मिलता है। ऐसे पानी की आवश्यकता है और पानी भी मुफ्त में मिलेगा, स्वाभाविक मिलेगा। अन्न की आवश्यकता है, थोड़े आयास करने से पेट भर जाएंगे, लेकिन 4 सब्जी हो, बासुरी हो, स्वर्ण की चमचा हो, स्टील की थाली हो, ये नखरा है, ये इच्छा है। आवश्यकता है अंगों को ढकने की, धन ज्यादा है तो सुहावने कपड़े से, कम है तो सादे कपड़ों से, और कम है तो सादे, अंग ढक सकता है आदमी, लेकिन ऐसा कपड़ा हो, ऐसा मकान हो, ऐसे कॉलर हो, ऐसा रंग हो, ये सब इच्छाएं हैं। तो इच्छाएं पूरी करने के पीछे हमारा समय शक्ति इतना खर्च हो जाता है कि जिस परमात्मा को पाने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है, सुख भोगने के लिए देव शरीर है, और पाप का फल दुख भोगने के लिए मनुष्य शरीर है, ये हल्की योनियां है, आसुर योनियां है, तामस योनियां है, और पुण्य और पाप, सुख और दुख दोनों से जान छुड़ाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म है। तो मनुष्य तन मिला है मोक्ष प्राप्ति के लिए, बुद्धत्व के लिए, अपने आत्मा को जानने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन आदमी ने आवश्यकता को इच्छा का रूप दे दिया, और आवश्यकता को इच्छा का रूप देकर इतनी इच्छाएं बढ़ा दी, इतनी इच्छा बढ़ा दी कि इच्छाएं ने आदमी की शक्ति को, सामर्थ्य को तुच्छ कर दिया, दबा दिया। तो गीताकार का